ब्लैक फॉरेस्ट हमारी ऐसी फिल्म है कि जिसमें अपने ज़िंदगी में जो पहली गलती होती है और वापस हमारी ज़िंदगी आगे चलती है तो वापस वही गलती होती है, तो उसके बीच में जो कहानी है वही कहानी है। ज़्यादातर फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगी। ये जो फिल्म है इसमें काफ़ी आपको इल्यूजन्स मिलेंगे, आप जब देखोगे तो मतलब आपने इंसेप्शन देखा है मूवी ना, ड्रीम के अंदर ड्रीम, जैसे इंसेप्शन की तरह कहानी है ना, मतलब ड्रीम के अंदर ड्रीम, काफ़ी वैसे इतनी एकदम कॉन्सेप्ट इतना मतलब टाइट है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ, ये मैं ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में ही बताया है। मेरा किरदार वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये फिल्म एक ऐसी, जब कम उम्र में लड़के लड़की फ्रेंड्स होते हैं, चिल आउट करते हैं, एक दिन प्लान जैसे बना ले, चिल आउट करने चले, रोड ट्रिप, गाड़ी उठाते हैं, रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। वहाँ चलते चलते वो इतनी दूर पहुँच जाते हैं कि जहाँ उनको पता नहीं चलता वो कहाँ आ चुके हैं। एक जंगल के अंदर वो लोग आके रुक जाते हैं। पूरी कहानी हमारी फुल ऑन वहाँ पर, मस्ती भी है, डर भी है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, अलग अलग जगह रहेगी, जैसे महाबलेश्वर में रहेगा, इंदौर है, जैसे जहाँ डीप जंगल रहेगा, जहाँ रास्ते सुनसान रहेंगे, ऐसी जगह हमने ढूंढी है, वहाँ सब शूट हो जाएगा। और जल्द ही उसका पोस्टर तो हमारे फिल्मों के जो आर्टिस्ट है, एक्टर है, शारिक भाई, उन्होंने ये पोस्टर डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, ये ज़्यादा बता सकते हैं। ये बताएं पोस्टर के बारे में, थोड़ा तो कोई सिगरेट पीता हुआ तो चली कर अगरबत्ती चल रही है क्या? नहीं सर, कोई सिगरेट नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं है, एक डार्क फेस है, ये एक थॉट है। बाकी ब्लैक जंगल है सर, काली रात है, जो जाएगा फंस जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। अपने ज़िंदगी की कुछ काली रात बताइए सर। मेरी ज़िंदगी की काली रात मत पूछिए, बहुत नहीं सर, मैं खुद जाके खुद डरना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ कैसा लगता है वो डर। वैसे अगर मेरे बारे में पूछोगे तो मैंने 7 मराठी फिल्म बनाई है एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, और एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की है, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर, फैशन हाउस, और 7 मराठी की है, 3 शॉर्ट फिल्म की है, और काम तो चलता है अभी। सब हमारा लक्ष्य ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर है, और सबसे अच्छा फिल्म बनाने का कोशिश हम करेंगे। किरदार तो मेरे साथ रहेंगे, इनका सब ट्रेनिंग्स वगैरह सब चालू है, थोड़े दिन में हम कैमरा के साथ मुहूर्त करेंगे। हॉरर, अगर हॉरर फर्स्ट ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, हॉरर की बात करें, आपने यही सब्जेक्ट को चुना कुछ इसके पीछे कारण है, आसानी से देख जाती है? हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो अभी दुनिया का मार्केट ओपन हो गया है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी चल रही है। आप देखते होंगे कि चाइना हो या अमेरिका हो, यूरोप हो, सब जगह हॉरर मूवी की ज़्यादा मांग है। तो हमने सोचा कि पहली फिल्म मैंने जो बनाई थी वो भी फैशन हाउस, वो चाइना में रिलीज़ हो गई थी, तो हमने सोचा कि दूसरी फिल्म भी ऐसी हॉरर बनाएंगे। अभी आप नेटफ्लिक्स में भी देखते होंगे कि ज़्यादातर हॉरर सस्पेंस फिल्में आ रही है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है फिल्में, तो इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं कि और एक फिल्म ऐसा हॉरर बना देंगे। आएगा आएगा। ओके सर, माय नेम इज़ शालवी, और मैं इसमें फीमेल लीड फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और मेरा जो कैरेक्टर है लाइक एक कैरेक्टर इसमें मेल जो लीड कैरेक्टर है उसके लेडी लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर है मेरा, लव इंटरेस्ट। ओके, तो लाइक इसमें
मेरा जो कैरेक्टर है काफ़ी उतार चढ़ाव का है. आपको लगेगा पहले एक शेड उतार चढ़ाव का ही होता है, एक शेड जा रहा है, उसके बाद एक पल ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है, तो सस्पेंस है वो आपको मूवी देख के पता चलेगा. ओके, तो वो आपको सस्पेंस कंटिन्यू एक के बाद एक पर दर परत आपको देखने को मिलता रहेगा. आपने तो इंटरव्यू दे चुका लेकिन परिचय नहीं दिया था, आपने अपना परिचय दे दिया, क्या कुछ ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं. सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम सेजल ताइडे. एक्चुअली बहुत सारे लीड कैरेक्टर कर चुकी हूँ मैं, एज एन वेब सीरीज़ या एल्बम सॉन्ग या मूवीज़. मैंने मराठी मूवीज़ भी किए बट अब रिलीजिंग पे है सब मूवीज़. तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि उसका नाम ही जब ब्लैक फॉरेस्ट है तो बहुत ही, जैसे कि हिंदी में काला जंगल, तो बहुत ही सस्पेंस स्टोरी है. उसका नाम ही ब्लैक फॉरेस्ट है तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो स्टोरी क्या हो सकता है, और बहुत ही हॉरर स्टोरी है. तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत सोच समझ के बनाया, आपको देखने में मज़ा आएगा, हमें करने में भी बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू. सारे एक्चुअली हमारी जो फिल्म है हॉरर है, इसमें हम नए चेहरे को उजागर करना चाहते थे, इस वजह से हम लोग मतलब इन लोगों को कास्ट किया. हमारे जो डायरेक्टर हैं महेश भंसोड़ी जी, वो काफ़ी सोच समझ के इन लोगों को कास्ट किया ताकि हम अट्रैक्टिव लुक हम ला सकें और थोड़ी आदमी सर मतलब आदमी लोगों के सामने भी कुछ अच्छा देखने को मिले. और ये एक्चुअली हॉरर तो है ही, प्लस ये देखने में इतनी अच्छी फिल्में मतलब लगेगी दर्शकों के सामने में ताकि दर्शक बोलेंगे हाँ अच्छी मुझे फिल्में मिली.